बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ना चाहते हैं माउस के बारे में। माउस हमारे पास कौन से डिवाइस है और ये क्या चीज़ है। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ माउस। पॉइंटिंग डिवाइस। माउस हमारे पास क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस क्या है। अ माउस इज़ इनपुट डिवाइस। माउस क्या है, हमारे पास इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस वो होता है जो काम अंदर होता है। कैसे, जब हम लोग क्लिक वगैरह करते हैं, काम उसका कहाँ पर होता है, सिस्टम के अंदर होता है। आगे चलते हैं विच कंट्रोल। जब हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं, द पॉइंटिंग ऑन स्क्रीन, पॉइंटिंग के थ्रू कर सकते हैं, क्लिक पॉइंटिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन वगैरह कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाय क्लिकिंग कंट्रोल तो कर सकते हैं, किसके थ्रू, बाय क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग और ड्रैगिंग। मगर इसके ये मतलब है क्लिकिंग के साथ, डबल क्लिकिंग के साथ और ड्रैगिंग के साथ, सिलेक्शन के साथ। ऑब्जेक्ट आइकन ऑन द स्क्रीन किस तरह देखते हैं, ये हमारे पास माउस हुआ, माउस है। माउस में क्या करता हूँ, पहले सिलेक्शन करता हूँ, एक क्लिक से क्या होगा, सिलेक्शन होगा, सही है। और दूसरे क्लिक से क्या होगा, डबल क्लिकिंग। डबल क्लिकिंग मीन्स ऊपर करना, सिलेक्शन करना, क्या है, आइकन वगैरह, आइकन और आइकन इन चीज़ों को कहते हैं, स्मॉल पिक्चर इन वगैरह को क्या कहते हैं, आइकन। अच्छा, आइकन ऑन द स्क्रीन जो आप कर सकते हैं स्क्रीन। माउस का ये मतलब है जहरी से हम लोग क्या कर सकते हैं, माउस के थ्रू हम लोग कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्लिकिंग के थ्रू, सिलेक्शन के थ्रू, डबल क्लिकिंग के थ्रू, उसको क्या कहते हैं, माउस कहते हैं। चलो इसके बाद पढ़ते हैं माउस के पॉइंट्स कितने टाइप्स होते हैं माउस के। गूगल में आते हैं, यहाँ लिखते हैं, सबसे जो पहला हमारे पास जो माउस का था उसको कहते थे मैकेनिकल, जो पहला टाइप्स आया था मैकेनिकल माउस वो था हमारे पास। आप लोगों ने देखा होगा जो पुराने किस्म के माउस थे उसमें एक गेंद होता था, माउस के दरमियान में एक गेंद होता था, गेंद के थ्रू हम लोग क्या कर सकते, सिलेक्शन वगैरह उसको कंट्रोल कर सकते थे। ये हमारे पास ये नज़र आ रहा है, ये गेंद वगैरह होती थी, सही है। फिर ये तो नाकाम हुआ, फिर इन लोगों ने आगे एक और नया माउस आया, उसका नाम रखा ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस आजकल जो यूज़ कर रहे हैं, लेज़र वाला माउस, लेज़र से चलता है, ये हमारे पास लेज़र माउस है ये। उसके बाद जो तीसरा माउस हमारे पास, जो तीसरा टाइप है जो ज़्यादा यूजेज इसकी हो रही है, वायरलेस माउस, बग़ैर तार के, जो सेल में चलते हुए, ये बग़ैर तार के माउस वगैरह। अच्छा, ये थे थ्री टाइप्स ऑफ माउस। फर्स्ट वन क्या था, मैकेनिकल माउस, टाइप्स ऑफ माउस, टाइप्स ऑफ माउस। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन जो पहला माउस है उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल माउस। अच्छा, दूसरा टाइप हमारे पास क्या है, मैकेनिकल माउस। फिर उसके बाद जो मैकेनिकल माउस वो होता है जो दरमियान माउस के दरमियान में क्या होती थी, एक बॉल वगैरह होती थी। उसके बाद दूसरा जो माउस हमारे पास है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस जो हम लोग आजकल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेज़र वाले माउस होते हैं, लेज़र वगैरह चलते हैं, सही है। उसके बाद तीसरा टाइप जो हमारे पास है वायरलेस माउस। हमारे पास जो तीन टाइप्स माउस है, सबसे पहला क्या है, मैकेनिकल माउस, और दूसरा टाइप्स क्या है, ऑप्टिकल मैकेनिकल, वो है जो माउस के दरमियान में एक बॉल होती थी, बॉल वगैरह में हम लोग क्या कर सकते थे, सिलेक्शन वगैरह कर सकते थे, उसको कंट्रोल कर सकते थे बॉल के थ्रू। दूसरा क्या है, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस आजकल हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, लेज़र वाले माउस होते हैं। और तीसरा क्या है, वायरलेस माउस। वायरलेस माउस वो होता है जो बग़ैर तार के कनेक्ट होता है, सही है, सेल वगैरह उसमें लगते हैं, फिर वो काम करता है, बग़ैर सेल के काम नहीं करता, वो विदाउट ऑफ वायर है। ये थे तीन टाइप्स ऑफ माउस हमारे पास, ये थे। अच्छा, उसके बाद पढ़ते हैं कीबोर्ड के बारे में, क्या है कीबोर्ड हमारे पास, क्या है
माउस तो हो गया, उसके बाद कीबोर्ड। व्हाट इज कीबोर्ड? बटन बोर्ड। बटन बोर्ड क्या है, कीबोर्ड क्या है? अ कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड भी हमारे पास क्या था, इनपुट डिवाइस। काम क्या करता है, इनपुट करता है। किस तरह इनपुट काम करता है, जब हम लोग ए बी सी वगैरह लेटर वगैरह टाइप करते हैं, नंबर वगैरह टाइप करते हैं, काम कहाँ पर करता है, सिस्टम के अंदर। मगर काम इसका क्या हुआ, इनपुट हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर इंटरिंग लेटर। जब हम लोग क्या करते हैं, लेटर को, लेटर वगैरह, नंबर्स वगैरह, सिंबल्स वगैरह, सही है, क्या करते हैं, इंटरिंग करते हैं, इंटर करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं, सही है। पंचुएशन एंड अदर कमांड्स इनटू कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड कीबोर्ड। हमारे पास कीबोर्ड का क्या काम है, सिंपल से मैं आपको बता दूँ, लेटर्स को टाइप करना, सिंबल्स को टाइप करना, सिंबल्स वगैरह जो हमारे पास सिंबल्स में क्या आते हैं, प्लस आते हैं, माइनस आते हैं, ब्रैकेट वगैरह आते हैं, सही है, ग्रेटर देन, लेस देन, और उसके बाद लेटर्स वगैरह ए बी सी लेटर कहलाते हैं, सही है, और 1 2 3 के लिए हम लोग नंबर इस्तेमाल करते हैं, अदर और अदर कमांड्स इनटू कंप्यूटर सिस्टम, और कमांड जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू। अच्छा चलो देखते हैं कीबोर्ड के बारे में भी देखते हैं। कीबोर्ड भी हमारे पास वही दो टाइप्स हैं। सबसे पहले तो वो सिंपल कीबोर्ड है, वायर जो है कीबोर्ड। कीबोर्ड में फिर आप वो फंक्शन वाला भी यूज़ कर सकते हो, सादा भी यूज़ कर सकते हो। उसमें बहुत सी गेमिंग के लिए अलग कीबोर्ड है, उसमें लाइट्स वगैरह लगे होते हैं। और दूसरा जो हमारे पास है वायरलेस, जो वायरलेस कीबोर्ड है बग़ैर तार के, जैसे माउस हमारे पास बग़ैर उसके थे, और कीबोर्ड भी उसी तरह है। ये है हमारे, ये था कीबोर्ड और माउस। कल इंशाल्लाह ताला बात करेंगे मॉनिटर के बारे में, हमारे पास मॉनिटर क्या है, मॉनिटर का क्या काम होता है। आज तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि माउस हमारे पास क्या है, माउस क्या करता है, सिलेक्शन करता है, क्लिकिंग करता है, डबल क्लिकिंग करता है, ड्रैगिंग करता है, आइकन वगैरह क्या करता है, हम जो हमारा कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल होता है माउस के थ्रू होता है। और ये फिर 3 टाइप्स थे माउस के, पहला कौन सा टाइप्स था, दूसरा ऑप्टिकल, तीसरा वायरलेस। फिर उसके बाद कीबोर्ड बारे में बात करते हैं, जब टाइप वगैरह करना हो, नंबर सिंबल्स वगैरह हम लोगों ने टाइप करना हो, फिर कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में, मॉनिटर फिर हमारे पास क्या है। आज मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।